नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज देश में भाजपा से बड़े नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर भाजपा को वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी से बड़ा कद योगी आदित्यनाथ का होता हुआ साफ साफ दिखता है। आम आदमी पार्टी में भी दल से बड़े केजरीवाल है, कांग्रेस में भी संगठन से बड़े राहुल गांधी है। भले ही यह आरोप लग रहा हो कि उनके कारण ही कांग्रेस गर्त में जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस बात को साबित करता है। थरूर का हारना इस बात को साबित करता है कि राहुल गांधी कांग्रेस से बड़े हैं। और इसके विपरीत देश में जिस दल के पास चेहरा कमजोर है, दल से बड़ा नहीं है, वो दल संकट में है। आप ध्यान दे सकते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपा, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसीलिए बार बार सवाल पैदा होता है कि 2024 की लड़ाई में अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई होती है तो भाजपा 2019 के 303 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। अब सवाल यह है कि विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा। यह सवाल पिछले 4-5 दिन में और अधिक बड़ा हुआ है। पिछले 4 दिन में महामंथन शुरू हुआ है। नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही बेचैन हो गए हैं और दर दर घूमकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, एक हो जाओ। लेकिन क्या लोग एक हो रहे और क्या लोग एक होंगे, यह समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि अचानक से इतनी बेचैनी आई कहां से है, इतनी बेचैनी पैदा हुई क्यों है। आप तीन घटनाओं पर ध्यान दीजिए। एक, राहुल गांधी को 2 बरस की सजा और इसके बाद उनकी सांसदी का जाना। और 2, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। और 3, हाल ही में देश में रामनवमी के मौके पर अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा। इन तीन घटनाओं से विपक्ष के अनेक नेताओं को यह लगने लगा है कि अगर भाजपा को नहीं रोका गया और अगर भाजपा को एक कार्यकाल और मिल गया तो आने वाले 5 साल में विपक्ष के कई दल निपट ही जाएंगे। वो अपना अस्तित्व ही खो देंगे, अपना वोट बैंक खो देंगे। इसीलिए कई लोग बेचैन हैं। नीतीश कुमार अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी से मिले, इसके बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिले, इसके बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दिल्ली आए और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले। लेकिन इस मेल मिलाप और इस मेल मुलाकात से निकल क्या रहा है, इस पर बात करनी चाहिए। पहले 2 बयानों के मर्म को समझते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि इससे मिल क्या रहा है। शरद पवार मुंबई से दिल्ली आए, राहुल गांधी के साथ फोटो सेशन हुआ और मीडिया से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि शरद पवार सीधे मुंबई से यहाँ पहुँचे और हमारा मार्गदर्शन किया। आज देश में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, ऐसे में देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एक होकर लड़ने की जरूरत है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। यहां पर मीडिया ने शरद पवार से सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी सोच भी वही है जो खड़गे जी की सोच है, लेकिन सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। शरद पवार की ये जो 2 लाइनें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन 2 लाइनों के आलोक में 2 तथ्य समझने चाहिए। 1, अभी हाल ही में एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। यह बहुत बड़ी बात है। बस 10 साल पहले मैदान में आई आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसीलिए सबसे पहले तो यही नोट कर लेने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ कतई खड़े नहीं होंगे, कतई गठबंधन में साथ जाएंगे नहीं। और वो आज की तारीख में विपक्ष की सबसे बड़ी तस्वीर है, यह तो बिल्कुल साफ साफ दिखती हुई बात है। और दूसरी बात, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया कि आज विपक्ष की पार्टियों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1, वो दल जो कांग्रेस के मौजूदा समय में सहयोगी है, जैसे डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, एनसीपी, एमडीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि। ये दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है मौजूदा समय में, लेकिन इनमें से भी कई दल चाहते हैं कि कांग्रेस इनको पीछे से समर्थन दे, वो सीटों में अधिक हिस्सेदारी ना मांगे। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पार्टियां ऐसी है जो कांग्रेस की विरोधी है, लेकिन कांग्रेस से भी ज्यादा वो भाजपा की अधिक विरोधी है, जैसे सपा, तृणमूल कांग्रेस, सारे वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति। ये 5 पार्टियां ये मानती है कि अगर भाजपा को 5 साल का कार्यकाल और मिल गया तो इनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसके बाद भी ये पार्टियां कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, कांग्रेस के साथ जाने पर इनके वोट बैंक बट जाने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि भाजपा सभी भ्रष्टाचारियों के एक साथ आ जाने का परसेप्शन पब्लिक में बनाने लगती है और इनका वोट भी कांग्रेस को शिफ्ट नहीं हो पाता है। यह पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण कर
आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए मोटी सी बात यह है कि जो फोटो सेशन हो रहा है द्वार द्वार जाकर, यह अच्छा है, लेकिन यह गठजोड़ जमीन पर उतर पाएगा यह मुश्किल है। बाकी राजनीति में कुछ भी संभव हो जाता है, ऐसा कई राजनीतिक पंडित कहते ही रहते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।